एक बार निमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्री ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों को पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगी जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणापुत अष्टमा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्ची दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाले, सत्याचरण करने वाले, समदर्शी जी मुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वो अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया था और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वो अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी और उसका पुत्र मर चुका था। वो रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरे बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जी मुतवाहन को मन के हृदय में विदर्ण हो गया। वो तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाते हैं। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर को मांस खाने लगा। जब अति से तेजस्वी गरुड़ ने राजा को बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपनी दाहिनी अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। ये देखकर गरुड़ जी ने कहा, देवयोनियों में तुम कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह प्रश्न करना व्यर्थ हो, तुम अपनी इच्छा भरी मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगी। राजा ने कहा, मेरी माता के नाम सेविया और मेरे पिता का नाम सालिबान है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जी मुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालु देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वो बर मांगो। राजा ने कहा, हे पंक्षीराज, यदि आप मुझ पर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है सब जीवित हो जाए। हे स्वामीमान, आपसे यह बालकों को न खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ से जो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने मरे मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनके पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी हो गई थी। राजा के दयालु देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यह यहाँ की प्रजा की जीवन दान दिया है। हे वस्त, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है।
जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करके अर्थ में जीवित पुत्री का कहलाई है। जो स्थिति का जो स्त्रिया उस जीवित पुत्री का और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारा पूजा करेंगे तो दिनों दक्ष सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उसी दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जी मुतवान को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के नगर में और राजा भी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अति से दुर्लभ व्रत तुमको बताया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्ति विधि से ये व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कोताहुल उत्पन्न हुआ और पुराश्विनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ ये व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। उसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वहीं चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मणों के मुँह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठे हुई अपनी सखी को सुनाया। श्याइन ने आधी कथा सुनी थी और उसके भूख लग गई और उसी समय सब से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चली बिना कुछ खाए पिए रहे गई और सवेरा हो गया। सवेरे वो गौशाला में गई और वहां का गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी का उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वो दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापार के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ही छोटी। वो दोनों सभी सुख शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधिपूर्वक ब्याह गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वो मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती थी वो मर जाती थी और पूर्वजनों को बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी के अवस्थ वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपने बहन की पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्याई राजपत्नी ने अपने स्वामी से कही कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उस जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बच लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और पिटारी उनकी माता मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वो 8 सिर बेस कीमती जहरत हो गए और भले चंगे वो 8 लड़के अपनी माता के पास चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वो मंत्री की पत्नी के पास गई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारने जाने पे तुम्हारे बेटा नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में चिल्ही थी और तुम सियारिन दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत को नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था, इसी दोष से है बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं और राजरानी। अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत करो और तुम्हारे बेटे दुर्गाए होंगे।
मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाली मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियों, चिरंजीवी संतान चाहते हैं तो ये विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। जय जितवाहन।